सर कितने अटेम्प्ट किया आपने? 78 क्वेश्चन अटेम्प्ट। 78? ओके सर, कोई जीके में क्वेश्चन याद होगा आपको? हाँ, जीके के भी आए, जैसे करंट अफेयर में भी आए, जैसे दो चार तो कंप्यूटर में क्वेश्चन आए, बाकी मैं तो रीजनिंग में। 2019 की भी करंट अफेयर? हाँ, 18 की भी है। 18 के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। चलिए तो ठीक है सर। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज बुक, सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज है 29 दिसंबर, तो आज हम 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू करने वाले हैं। बस कुछ ही देर में आने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो एक एक से पूछेंगे। आपका? मेरा नाम बलदीप शर्मा। बलदीप जी, कैसा लेवल आ रहा है? लेवल तो ये है कि मतलब मैथ तो सही है जी, सारा मैथ भी सही था, रीजनिंग भी सही थी, यहाँ तक मतलब रीजनिंग सही आई है, और साइंस के क्वेश्चन आए थे 2-3। ठीक है। और जैसे करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में से कौन से ईयर के आ रहे हैं, 20 के या फिर 19 के भी आ रहे हैं? 20 में 2020 का भी पूछा था, 2019 का भी पूछा है, दो एक क्वेश्चन 2019 का था और 20 के भी थे दो। तो कौन से मंथ्स के हैं, कोई क्वेश्चन याद है क्या आपको थोड़ा बहुत? उसमें से एक तो मानव वो आया था, मानव सूचकांक वाला आया था। ओके, एक तो मानव सूचकांक वाला। हाँ, और एक क्वेश्चन वो था साइंस में पित्ताशय वाला आया था। ओके। हाँ, पित्ताशय मतलब किससे स्रावित होता है, और उसमें बी ओ उसके ज़्यादा आए हम, बोर्ड मास। ओके। बोर्ड मास के आए हैं, 3-4 क्वेश्चन आए थे बोर्ड मास। हाँ, 3-4 क्वेश्चन आए हैं कम से कम बोर्ड मास के। टोटल कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने करके आया, मैं 65 करके क्वेश्चन करके आया हूँ। तो 65 में आप क्या क्या एक्यूरेसी बोलेंगे, कितने राइट हैं? अरे राइट तो पता चलेगा, इतना तो पता नहीं कैसे। आप कॉन्फिडेंसली हैं कि 65 बिल्कुल सही? हाँ सर, क्या नाम है आपका? रोहित मेहता। रोहित जी कहाँ से हैं? जयपुर से। जयपुर से हैं, तो कैसा लेवल आ रहा है आज के फर्स्ट शिफ्ट में? शिफ्ट मॉडरेट लेवल है। मॉडरेट लेवल यार, डिफिकल्ट लेवल है, थोड़ा सा जीके डेढ़ जीके कुछ ज़्यादा ही पुरानी पूछ ली। ओके, बाकी और ठीक है। तो जीके की सेक्शन की बात करें तो साइंस और करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन आ गए? साइंस से 3-4 क्वेश्चन थे। ओके, और करंट के 15 क्वेश्चन के आसपास थे। 15 क्वेश्चन। तो कौन सी ईयर की करंट अफेयर ज़्यादा पूछी जा रही है? ये 2020 की। 2020 की। मंथ्स का आइडिया है कि इस मंथ की है लगभग? मंथ्स 2020 में ऑलमोस्ट अप्रैल के बाद की है। अप्रैल के बाद की करंट अफेयर्स। ओके, टोटल सर कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 73 अटेम्प्ट किया। 73। तो 73 में क्या एक्यूरेसी बोलेंगे आप, कितने राइट हैं एकदम? एक्यूरेसी 95%। 95%। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। हाँ सर, कैसा लेवल आ रहा है फर्स्ट स्टेप में आज? लेवल तो ईजी था इसमें। ईजी था? हाँ। ओके, जैसे कि कुछ लोग बता रहे हैं कि जीके थोड़ा सा ओल्ड पूछा है, कैसा क्या है? नहीं, करंट अफेयर है जो 2018-2019 के आसपास का पूछा है लगभग। 2018 और 2019? हाँ, 2018-2019। 20 के भी थे कुछ क्वेश्चन। ओके, तो कोई क्वेश्चन याद है सर आपको करंट अफेयर्स का? करंट अफेयर्स का कोई साइंस का या फिर कोई भी जीके का कोई भी क्वेश्चन? हाँ सर, साइंस का रहता है कि कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज किसने की? और ज़्यादातर मैथ और रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, साइंस के बस 2-3 क्वेश्चन आए थे, और एक क्वेश्चन कंप्यूटर का भी आया था। कंप्यूटर जैसे क्या क्वेश्चन पूछा है? कंप्यूटर का पूछा था, मतलब ये सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा था कि कौन सा वो इनपुट और आउटपुट के उनके अंदर आया था एक क्वेश्चन। ओके, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन है कंप्यूटर में। ओके, तो टोटल सर कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 77 अटेम्प्ट किया। 77। इधर आइए सर आप। तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में सारे टॉपिक्स आ रहे हैं या फिर किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन भी आ रहे हैं? नहीं, लगभग सारे आने। ऐसा तो नहीं है जैसे मिसिंग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग? सभी आ रहे हैं, मिसिंग नंबर भी आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी आ रहे हैं, और हाइट वाले जैसे लंबाई में वो सारे आ रहे हैं लगभग। लेकिन साइंस के क्वेश्चन नहीं है, साइंस के तो 2-4 क्वेश्चन ही मिले। तो जैसे साइंस के क्वेश्चन नहीं आए तो जीके में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? जीके के अंदर जैसे मतलब एक तो योजनाओं से संबंधित भी है, योजनाओं से, और विदेश से, जैसे कोई विदेश की राजधानी पूछी एक दो की, और अदर जैसे हमारे कोई योजना चल रही है ना, जैसे अभी वो कौशल विकास योजना, वो प्रश्न आया था एक। ओके, तो मतलब मैथ और रीजनिंग के ज़्यादा प्रश्न आए। ओके, टोटल सर कितना अटेम्प्ट किया आपने? 77। 77 77 में क्या एक्यूरेसी बोलेंगे सर? अब लगभग 65+ हैं फिर। 65+। चलिए, ऑल द बेस्ट सर आपको। ठीक है, थैंक यू। हाँ सर, कैसा लेवल आ रहा है पेपर का? पेपर का लेवल तो ठीक था, लेकिन टाइम कम था ना, उसकी वजह से कम सवाल कर पाए। ओके, कहाँ से हैं सर आप? नागौर। नागौर से हैं। तो अगर हम बात करें जीके की, तो जैसे कि जीके में परेशानी होती है, तो कैसा लेवल आ रहा है जीके में? जीके का लेवल लगभग ठीक ठाक ही था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और इजी था। कोई क्वेश्चन याद होगा सर जीके में आपको? हाँ, कोई क्वेश्चन याद होगा सर आपको? एक क्वेश्चन आया था जीके का, संविधान मतलब दिवस कब मनाया जाता है। ओके, मैथ के सेक्शन की बात करें तो मैथ का सेक्शन कैसा आ रहा है? हार्ड थे। हाँ। तो मतलब अर्थमेटिक हार्ड ज़्यादा लगी या फिर एडवांस? दोनों ही थे। दोनों ही थे, मिक्स में थे।
ओके okay. और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग कैसे लगी आपको? रीजनिंग ही जीती। ऐसा तो नहीं था कि लॉजिकल टॉपिक्स में ज़्यादा फंसाया गया है? लॉजिक्स नहीं नहीं ठीक था, ठीक था। हाँ सर, कैसा गया एग्ज़ाम? ठीक ठाक था, एवरेज था सर। एवरेज था। तो जैसे कि किसी सेक्शन में ऐसा लगा कि यार ये थोड़ा सा अजीब सा आ गया? लॉजिकल रीजनिंग। तो मिसिंग नंबर था या फिर नंबर सीरीज थी? नंबर सीरीज तो ठीक ठाक था सर, मिसिंग नंबर में प्रॉब्लम थी। मिसिंग नंबर में प्रॉब्लम आई है, ओके। और अगर हम जीके की बात करें तो जीके में करंट अफेयर्स कौन से ईयर का ज़्यादा पूछा जा रहा है? करंट सर 2018 का भी है, 19 का भी है। अच्छा, 18 का भी पूछा जा रहा है और 19 का भी पूछा जा रहा है, ओके। साइंस के दो क्वेश्चन 2018 के थे, बाकी लगभग 19 के थे। तो ये जो 2018 के क्वेश्चन करंट नॉर्मल थी सर, नॉर्मल थी। जैसे 2018 का करंट के अफेयर्स हैं तो ये जुलाई के बाद के हैं? जी सर, जुलाई के बाद के हैं। ओके सर, कोई क्वेश्चन याद होगा जीके में अपने को? जीके में सर एक चंद्रयान का क्वेश्चन था, ओके। ये चंद्रयान 2 है जो कहाँ से लॉन्च किया गया है? ओके, किस वाहन से? हाँ। ओके, किस वाहन से लॉन्च किया गया? टोटल सर कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने अटेम्प्ट किया सर 72। चलिए सर, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। नाम आपका? मेरा युधिष्ठिर सिंह शेखावत। युधिष्ठिर जी कहाँ से हैं? मैं झुंझुनू से सर। झुंझुनू से हैं। तो युधिष्ठिर जी, जैसे कि अभी 29 दिसंबर ये फर्स्ट शिफ्ट था, कैसा गया? सर कल से थोड़ा सा लेवल जीके का सर, थोड़ा सा माइल्ड, मतलब मॉडरेट कह सकते हो, उन्होंने एवरेज पेपर। तो जैसे कि स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि यार साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा हुआ इसमें? नहीं सर, नॉर्मल क्वेश्चन इसमें नहीं हुआ, नॉर्मल। कितने क्वेश्चन आए साइंस से? समथिंग 6-7 क्वेश्चन थे। 6-7 क्वेश्चन साइंस से आए हैं, ओके। और करंट अफेयर से कितना मार्जिन आ रहा है? करंट अफेयर से कल से बेटर है, कल से हाँ, कल तो फर्स्ट शिफ्ट में तो 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, आज काफ़ी क्वेश्चन थे, लगभग एवरेज मतलब अच्छा था हमारे क्वेश्चंस का। नहीं मतलब 5-6 क्वेश्चन थे या फिर कितने? अबाउट 5-6। अबाउट 5-6। ओके सर, कितना अटेम्प्ट किया आपने? 69 सर। 69। चलिए सर, ऑल द बेस्ट आपको। ओके थैंक यू। क्या नाम आपका? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह जी, कैसा लेवल आ रहा है? बढ़िया पेपर आ रहा है, एकदम सरल, मैथ बढ़िया आ रही है। ओके, और मैथ जिसकी क्लियर है उसका पेपर क्लियर होगा आराम से। ठीक है, और जीके सेक्शन की बात करें, जीके में जीके तो करंट आ रहा है थोड़ा बहुत, और बाकी इतिहास का आ रहा है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं आ रहा है, मैथ ज़्यादा है। हिस्ट्री के कोई क्वेश्चन याद है क्या? हिस्ट्री तो हिस्ट्री के भी है, जैसे कोई क्वेश्चन याद है? 5-7 क्वेश्चन। सब लोगों से पूछते हैं कि सब लोगों ने कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। हाँ सर, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 98। ओके सर, कितने अटेम्प्ट किया आपने? 83। हाँ सर, कितने अटेम्प्ट किया आपने? आवाज़ नहीं आ रही है इसको बोलने के बाद। कितने अटेम्प्ट? 85। ऑल द बेस्ट सर। सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 70। ओके। हाँ जी सर, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? कितने क्वेश्चन किए? मैंने 70। ओके सर, ऑल द बेस्ट। हाँ सर, कैसा गया एग्जाम आपका? एग्जाम बहुत बढ़िया रहा है, क्वेश्चन पेपर सारे सरल आ रहे हैं, बस थोड़ा सा मैथ सोल्व करने के लिए टाइम कम मिलता है, बाकी एग्जाम बहुत बढ़िया है। टोटल सर कितना टाइम रहा? क्या अटेम्प्ट कितना रहा सर आपका? अटेम्प्ट 60+ है। 60+। एग्जाम बेस्ट एक्सपीरियंस था, अच्छा था। सर हम अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? करंट अफेयर्स में क्वेश्चन 15% है। ओके सर, टोटल कितना अटेम्प्ट किया आपने? टाइम तो 90 मिनट्स। ओके सर, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। सो स्टूडेंट, आपने देखा कि जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी थोड़ा सा इजी आया है, अगर आपने थोड़ी भी तैयारी की है तो आप निकाल सकते हैं। और ये एक बात ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि 2019 की करंट अफेयर्स नहीं आ रही है, 19 की के 18 की करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बस आप अपनी तैयारी को जारी रखना। हम इसी तरीके से आपको रिव्यू करते रहेंगे। आपके लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, जय हिंद।